75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष पर भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम बसपा वरिष्ठ नेता श्री अवधेश शर्मा और पिंकी शर्मा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में किया गया। कस्बा अनुपशहर में आजादी के जश्न का कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क अनुपशहर प्रांगण में आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया गया और सैकड़ों की तादाद में सभी धर्मों के गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम को सुशोभित किया। इस अवसर पर श्री अवधेश शर्मा और पिंकी शर्मा के द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि सही मानने में आजादी का महत्व तभी होगा जब हर व्यक्ति अपने दायित्व का सही तरीके से निर्वहन करेगा। कार्यक्रम रखा है, किस उद्देश्य रखा गया है? मैं अवधेश शर्मा और पिंकी वरिष्ठ बसपा नेता, आज का जो कार्यक्रम है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है और हमारे देश में 75वीं वर्षगांठ जो स्वतंत्रता दिवस के परिप्रेक्ष्य में अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में छोटी काशी अनूपसर में भी हमारे द्वारा ये छोटी सी कोशिश की गई है जो जश्न और हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए हमने देश के संविधान के निर्माता महान पुरुष हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रांगण में हमने ये आज़ादी का जश्न, आज़ादी के सभी हमारे जो हिंदू मुस्लिम जितने भी हमारी जाति भाई हैं छोटी काशी अनूपसर के सभी सजातीय विजातीय वर्गों का एक सामूहिक मिश्रण हमारे यहाँ उपस्थित रहा है और उन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस आज़ादी के जश्न को में चार चांद लगा दिए हैं। हम इस आज़ादी के जश्न को ही नहीं मना रहे, साथ ही हमने एक संकल्पित भाव में एक संकल्प लिया है कि आने वाले समय में हम कुछ संकल्प लेके एक मजबूत विचारधारा के साथ आगे बढ़ें और अपने मजबूत विचारधारा से जो हमारी छोटी काशी अनुसर में विकृत सोच जागृत हो रही है, जो सोच, जो गंदी सोच है, जो भ्रष्टाचारी सोच है, उसको हटाना है और एक जनप्रतिनिधि अच्छे और सच्चे इंसान को बनाना है। इस सोच को हमें आगे बढ़ाना है और इसी सोच को, इसी सत्य विचार को इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में हमने यहाँ सभी गणमान्य लोगों की उपस्थिति में ये संकल्प लिया है। महोत्सव मनाया जा रहा है और दूसरा अंबेडकर पार्क में जो हमारे भारतवर्ष के संविधान के निर्माता थे उन्हीं के प्रांगण में हमको ये खुशी का अवसर मनाने का मौका मिला है। इस खुशी के मौके पर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के संविधान के निर्माता के चरणों में बार बार शीश झुकाकर नमन करता हूँ और